हाँ थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा थोड़ा पीछे, इधर इधर टर्न, इधर टर्न, टर्न टर्न, अरे राइट टर्न, राइट राइट, राइट राइट, थोड़ा राइट टर्न, सर राइट राइट, चल इधर से चालू कर, हाँ राइट टर्न, राइट टर्न, थोड़ा पीछे ले, सेंटर सेंटर सेंटर, ओला सेंटर, सेंटर सेंटर, टेक द बाउंड, या या राइट 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 Ready? Ready. Who stand up? Gentlemen,
नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जय भानुशाली और आज आप सबका स्वागत करता हूं मैं डीआईडी लिटिल मास्टर डांस के ब्लॉकबस्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वेल, बड़ा अच्छा लग रहा है आज यहां पर काफी सारे लोग आए हैं। और आपको बता दूं कि ये जो 3 महीने आपके निकलने वाले हैं वो बहुत ही कमाल के निकलने वाले हैं। कहूंगा तो एक चीज कहूंगा कि ये शो आपके लिए होगा स्ट्रेस बस्टर शो, एक चीज कह सकता हूं मैं। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग जॉय भैया, अमेजिंग, थैंक यू। अभी अभी आपने जॉय भैया का डांस देखा, कैसा लगा? हम आपको बता दें कि जॉय भैया ने जो भी किया, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आवर लिटिल मास्टर्स आर not supposed to do, okay? Oh, hello. बहुत शानी बन रही है क्या? हाँ? लेकिन जब तू पैदा भी नहीं था ना, तब से मैं ये शो होस्ट कर रहा हूँ, समझे ना? हाँ। उस लॉजिक से तो आलोक नाथ जी तब से एक्टिंग कर रहे हैं जब वरुण धवन पैदा भी नहीं हुए थे। तो क्या बद्री की दुल्हनिया में आलोक नाथ जी को तम्मा तम्मा लोगे करना था? तम्मा तम्मा लोगे, तम्मा लोगे, तम्मा। अच्छा, हाँ, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? Hi, my name is Tamanna. तमन्ना, अरे वाह, तो क्या तुम्हारे फादर का नाम सरफरोश है? है, क्यों? क्योंकि आमिर खान ने कहा था ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, समझे ना जोक? अच्छा, wow, जय भैया, it's amazing, I'm loving it, I'm loving it. क्यों? बस आप ये पीजी मारना छोड़ दो। अच्छा, ओके 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 ओके, और बताओ। बोलो बोलो, तुम्हारी लाइन है बेटा। अब तुम्हें मेरे को पूछना है कि बेटा जय भैया कि ये शो का नाम ऐसे डांस के ब्लॉकबस्टर क्यों रखा है? हाँ बोलो, हाँ प्लीज, या गो फॉर इट बेटा। शो में जोक्स का लेवल तो आप समझ ही चुके हैं। हाँ जी, पर जय भैया हमारे टैग लाइन डांस के ब्लॉकबस्टर क्यों है? वो इसलिए है बेटा क्योंकि ये एक ऐसा शो है जिन्होंने इतने सालों तक यू नो इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक डांसर्स, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दिए हैं। यही एक ऐसा शो है, अगर आप कोई भी रियलिटी शो देख लो कोई दूसरे चैनल में, आपको सिर्फ और सिर्फ डीआईडी के ही कंटेस्टेंट्स देखेंगे एज जजेस, एज मेंटर्स, एज कोरियोग्राफर्स। मतलब मैं एक चीज कह सकता हूँ कि डीआईडी एक्चुअली एक प्रोडक्शन हाउस है फॉर ग्रेट टैलेंट, यार ग्रेट टैलेंट। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर उससे हमारे ब्लॉकबस्टर्स का क्या कनेक्शन? अरे तुमने देखा नहीं जिस तरह से हमारे ब्लॉकबस्टर की एंट्री हुई थी ओपन कार में, मतलब ये एकदम शोशा रेड कार्पेट पे जिस तरह से एंट्री हुई थी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो टैलेंट है हमारे ब्लॉकबस्टर का, आई एम सो श्योर कि जो मुकाम यू नो शोले, हम आपके है कौन, 3 इडियट्स, हेट स्टोरी 2 और साथ ही साथ सलमान खान, आमिर खान और जय भानुशाली ने जो फिल्मों में जो यू नो फेम कमाया है वैसा ही फेम यू नो हमारे बच्चे कमाने वाले, सच्ची बता रहा हूँ मैं। के पूछे जरूर, मैं इस सोशल एम्बैरेसमेंट और नेशनल डिजास्टर के लिए आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। मैंने और जय भैया ने अब तक जो भी कहा वो सिर्फ आपके टाइम पास के लिए था, क्योंकि हमारे श्री दीपक राज्य अध्यक्ष जी अपनी धमाकेदार एंट्री के लिए तैयार हो रहे थे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आपको बता दूं कि बड़ा गलत सवाल तुमने मुझसे पूछा है कि डांस के ब्लॉकबस्टर क्यों रखा है शो का नाम, ये जजेस क्यों रखे हैं। ये सब सवालों का जवाब वही बता पाएंगे ना जिन्होंने ये शो बनाया है। तो इसीलिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा बिजनेस हेड श्री दीपक राजदक्ष को कि वो प्लीज मंच पर आए एंड प्लीज दो शब्द का जोरदार ताला हो जाए। Hi, good evening, ladies and gentlemen. Thank you very much for joining us today. ZTV over the past 25 years has been at the forefront of providing a platform to the talent of India's common man and opening up a world of opportunities for them. Amongst our talent and formats, Dance India Dance has gone beyond just a reality show and become a movement. Giving dance its due respect, DID has made a dance mainstream career choice for millions.
डीआईडी के पहले ऐसा होता हुआ करता था कि कोई डांस कर रहा है तो उनको पूछा जाया करता था कि बेटा डांस तो ठीक है, काम क्या करते हो? या कोई छोटे बच्चे डांस करते हुए अपना डांसिंग टैलेंट परफॉर्म करते हुए दिखते थे तो उनको पूछा जाता था, डांस तो ठीक है बेटा, आगे जाके क्या बनना चाहते हो? लेकिन डीआईडी ने लोगों को इस सोच को बदला. डीआईडी हैज गिवन बर्थ टू प्लेटफॉर्म्स लाइक सुपर मॉम्स एंड लिटिल मास्टर्स दैट हैव सेलिब्रेटेड द डांसिंग टैलेंट ऑफ मदर्स एंड चिल्ड्रंस अक्रॉस द कंट्री. इस साल की शुरुआत देश के युवा डांसिंग टैलेंट को बढ़ावा देते हुए हुई और अब बारी है बच्चों की, लिटिल मास्टर्स की, जो अपने आप में ब्लॉकबस्टर्स है. इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने वो अपने परफॉर्मेंसेस के द्वारा अपने डांसिंग करियर की शुरुआत करते हुए आज लिखेंगे कल. फैजल, हरप्रीत, जीतू मोनी, तेरिया मगर जैसे अनगिनत नए टैलेंट को डीआईडी लिटिल मास्टर्स ने आपके सामने आज तक पेश किया और उन्होंने अपने आप को डांस की दुनिया में अव्वल साबित किया. 3 मार्च 2018 से डीआईडी लिटिल मास्टर्स का नया सीजन शुरू हो चुका है जहां हमारे ब्लॉकबस्टर्स बच्चों का साथ देंगे 3 ब्लॉकबस्टर जजेस. सलाम नमस्ते, बैंग बैंग, अंजाना अंजानी, हम तुम, बचना है हसीनो, इन ब्लॉकबस्टर्स फिल्म्स के ब्लॉकबस्टर निर्देशक सिद्धार्थ आनंद, क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म से लेकर डांस नंबर तक छाई हुई एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह और डीआईडी के सबसे पुराने सदस्य जो डीआईडी के साथ भी और डीआईडी के बाद भी डीआईडी की पहचान बनकर रह रहे हैं, द यंग डांस पैशन मर्जी पेस्टन जी. बच्चों के हर परफॉर्मेंस को गाइड करने के लिए स्कीपर्स की भूमिका में हमारा साथ देंगे डीआईडी के ही मंच से निकले हुए हमारे अनमोल रतन जीतू मोनी, वीर राधा शेरपा, वैष्णवी पाटिल और तनय मल्हारा. आप देख ही रहे हैं जय भानुशाली और तमन्ना इस सीजन में एंकर्स की रोल में हमें नजर आएंगे. तो आए देखते हैं डीआईडी लिटिल मास्टर्स के नए सीजन की एक छोटी सी झांकी. कैन वी हैव एवी प्लीज. तो आप देख ही चुके होंगे कि किस तरह का कमाल का टैलेंट हमें मिला है. एक सेकेंड, मेरे को बड़ा एकदम डिस्ट्रैक्ट हो रहा है इस बंदे से. भाई फोन पे क्या चेक कर रहे हो? आधे घंटे से लगे पड़े हो, व्हाट्सएप चेक कर रहे हो? यार व्हाट्सएप भी है ना, यू नो, बच्चों के डायपर की तरह हो गया है. कुछ हो ना हो हर 5 मिनट में चेक करना ही पड़ता है. कि एक घंटे से मैं देख रहा हूँ फोन पे, तुम लगे पड़े हो. यार क्या देख रहे हो ऐसा इंटरेस्ट? सामने बाजू में चित्रांगना बैठी हुई और तुम ये फोन पे लगो, कैसे इंसान हो यार तुम यार. और भाई तो अभी ध्यान दो यार. हाँ और भाई तो चलो फिर यार बढ़ते आगे. और अब मैं उनको बुलाना चाहूंगा जिनको जी टीवी ने इतना ज्यादा पैसा दे दिया है कि शो का बजट 100 करोड़ हो चुका है और उसके बाद स्टेज लाइट साउंड और एंकर्स के लिए सिर्फ 160 रुपए बचे हैं, यानी कि हमारे जजेस. पहले 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 सिर्फ हिट सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर बनाने वाले जिनकी फिल्में और डांसेस रिलीज होते ही दिलों में करते हैं बैंग बैंग, जिनका फोन कभी नहीं होता हैंग हैंग. सलाम नमस्ते से स्वागत करते हैं अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सिद्धार्थ आनंद सर. क्या बात है, ताली हो जाए फॉर वन एंड ओनली सिद्धार्थ आनंद. और अब मैं उनको बुलाना चाहूंगा मंच पर. थैंक यू. और अब मैं उनको बुलाना चाहूंगा मंच पर जिनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि पहले उनका ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर देना चाहिए क्योंकि शी इज गोना ड्राइव यू क्रेजी. उनको देखकर ऐसा लगता है दैट शी इज मैकडॉनल्ड्स बिकॉज आई एम लविंग इट. वेल ये सिर्फ अपने लुक्स के लिए नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग, अपने अदाकारा के लिए भी बहुत जानी जाती है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ज्यादा यू नो मुझे कहने की जरूरत नहीं है. आई एम टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली द ब्यूटिफुल द गॉर्जियस द टैलेंटेड चित्रांगदा सिंह. ज़ोरदार ताली हो जाए. आ
एंड नाउ उनकी तारीफ क्या करूं, मतलब ये हर अरे ये खुद ब खुद यार भाई इन्होंने मेरे को नहीं बुलवाने का है, मेरी तारीफ नहीं करवानी है, बहुत हो गई है ये, कुछ ना कुछ अनाप शनाप बकेगा वापस, कुछ पुराना क्या पुराना। सुन तो लीजिए, तू किसकी साइड पे है? एक मिनट, माइक थोड़ा नीचे कर ले, बेटर सुनाई देगा। हाँ अब यहाँ पे बेटर सुना। हाँ वेल मिलिया हमारे थर्ड जज से, एंट्री अच्छी मारूंगा ना मैं भी, क्यों ना मारूं अच्छी एंट्री। वेल मिलिया हमारे कट्टू, वेल अब हमारे थर्ड जज से मिल लीजिए, जिनका नाम है, अब नाम तो बाद में बताता हूँ लेकिन एक चीज बता देता हूँ इनके बारे में, क्रैश कोर्स करके रखे हैं इन्होंने जजिंग के मामले में। हर रियलिटी शो में आजकल जज यही मिलते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जी टीवी पहले शो बाद में सोचता है, पहले जज मर्जी को पकड़ते हैं बाद में, फिर मैं सोचते हैं कि क्या शो बनाना है ये सोचते हैं उसके साथ। और साथ ही साथ आपने वो जोक सुना होगा, वो जो पांडे जी, बड़े रिस्पेक्ट से पांडे जी कहिए, पांडे जी कहिए, इन्होंने भी बड़े स्मार्ट बंदे हैं, अपने सरनेम में ही जी लगा दिया ताकि सब उन्हें रिस्पेक्ट से ही बात करें, पेस्टन जी, राइट? जय भैया, पर्सनल पंगे बाद में, इंडियास मोस्ट टैलेंटेड कोरियोग्राफर्स में से एक। कौन कौन, कहाँ है वो? वाह, तू बोलती है? जिनकी मर्जी पे नाची है पूरी फिल्म इंडस्ट्री। बोलती है? किसकी बात कर रहे हो? बोलती है? लीगू ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोरियोग्राफर्स मर्जी पेस्टन जी। मैं इनके एक्सप्रेशन देख रहा था, दोनों के एक्सप्रेशन बहुत बहुत, आई मीन एज एन एक्ट्रेस थे, हर लाइन को वो परफॉर्म कर रहे थे, उनकी अदाएं देख रहा था मैं, और एज एज अ डुओ आल्सो आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया साथ में, दो बोल रहे हैं कि अभी अभी मिले हैं, वो लग नहीं रहा था, तो आई थिंक स्टेज को अच्छा यूज किया। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, योर एक्सप्रेशंस आर वेरी नाइस, कीप इट अप बोथ ऑफ यू। क्या बात है, क्या बात है। और एक ही सवाल आप दोनों से पूछना चाहूंगा, दैट आप दोनों के फेवरेट होस्ट कौन है? एक्चुअली I didn't know them, but I knew Chitrangada Singh from Desi Boys. I just got to know Marzi sir and Siddharth sir right now. आप DID देखा करो, आप मुझे देखा करोगे। आप नहीं डांस शो नहीं देखते हो ना? डैडी कहाँ है? कितने पुराने डैडी कहाँ है? कहाँ है डैडी? डैडी कहाँ है? कहाँ है? डैडी इज नॉट। कौन आया है? मामा। मम्मी किधर है? अच्छा। आप किसी और के बच्चे के लिए क्यों खड़े हो गए भैया? आपको उधर भी फुटेज चाहिए सर? मम्मी कहाँ है आपकी? मम्मी वीडियो लेना बंद करो, क्या सिखाया आपने बच्चों को? टीवी अच्छे से नहीं दिखाते हो रात को? अभी हर सैटरडे संडे 9 बजे दिखाना हमारा शो, ओके? याद से 9 बजे से 10:30 बजे तक बच्चा ना सोएगा ना खाएगा, आपका डिनर 8 से 9 के बीच में होगा जब कोई दूसरा शो चलता है, नॉट प्रॉब्लम। 9 बजे टीवी के सामने आप बढ़िया को बच्चों को लेके क्या एडुकेशन दे दो, अच्छा एडुकेशन दो ना। सही बात बोल रहे हैं, वेरी गुड गर्ल। कभी कभी बच्चों को डराने के लिए भी, यू नो, शट अप इडियट। हाँ। वैसे आपका फेवरेट होस्ट कौन है वो बताइए ना, एंकर आपका कोई फेवरेट है? बच्ची मेरा नाम ले ले, मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें की। मैंने एंकर यार, एंकर बोल रहे तो फैन में एंकर। बेटा बेइज्जती मत कर, सब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यहाँ पर। मैं भी बड़े गंदे पंच, मतलब यू नो, अपनी बेइज्जती कराने के लिए कर लेता हूँ। वो साहिल बहुत अच्छा एंकर है। यू साहिल वाज वेरी नाइस, राइट? साहिल बहुत अच्छा था। डीआईडी सीजन 6 में साहिल बहुत अच्छा था। साहिल बहुत अच्छा था, मैंने 2-3 एपिसोड देखे। डोंट बी मीन, इट्स ओके। बराबर बोला, साहिल बहुत अच्छा था। अभी ये हजम नहीं मालूम। अच्छा आपको ऑप्शन दूं तो गेस कर पाएंगे? आपको पता है एक बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही स्मार्ट, गुड लुकिंग एंकर है, बहुत सारे शोज करता है आजकल, हर चैनल में वही दिखाई दे रहा है। मनीष पॉल। जय भानुशाली। मनीष पॉल। जय भानुशाली। ओह सॉरी, जय भानुशाली। कौन कौन? बच्चे बेइज्जती करा रहे, बैठ जाओ, अंदर चले जाओ, अंदर चले जाओ। जरूर पापा ने, जूम वाले ने सिखाया होगा कि किसी का नाम नहीं लेना। ये आदमी मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। जूम, इसको देखो, तेरे को देखता हूं मैं बाहर, अभी रुक। ऑलराइट, तो चलो बढ़ते हैं आगे और बुलाते हैं हमारे अगले परफॉर्मर को। एंड अगले परफॉर्मर है अमिताभ शुक्ला, सन ऑफ चांदनी दत्त शुक्ला फ्रॉम दैनिक भास्कर, एंड श्रेयस घोष, सन ऑफ बिजोया घोष। प्लीज मैं उन दोनों को मंच पे पहले बुलाना चाहूंगा, उनकी फैमिलीज को प्लीज मंच पर आ जाए जल्दी से। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? आइए आइए आइए। अमिताभ एंड बिजोया, सो पहला सवाल है, आप में से अमिताभ कौन है और बिजोया कौन है? मैं यहाँ कोई
नहीं मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। अच्छा आप बिजोया है, ओके बिजोया। हाँ जी आप कुछ कहिए पहले अपने यू नो मेरे बच्चे के बच्चे के बारे में। बहुत डिफिकल्ट है। माइक ऊपर कर लीजिए। हाँ वो माइक फर्स्टली तो मैंने मेरे बच्चे को यहाँ इसलिए भेजा कि वो बहुत शाय है। ओ तो शायद दूसरे लोगों को देखेगा तो वो शाइनेस उसकी चली जाएगी। क्या बात है क्या बात है, दैट्स अ गुड थिंग यू नो। बच्चों को जितना अगर आप प्लेटफॉर्म देंगे एक्सपोज करेंगे यू नो ये सब चीजों से तो ज्यादा वो सीखते हैं। क्या बात है। और आप कुछ कहेंगे अपने बच्चे के बारे में। उनका नाम अमिताभ है और नाम ही काफी है आप जानते हैं। हाँ जी क्या बात है क्या बात है। जय भानुशाली को लोग देख लेते हैं तो बहुत सारी बातें उभर ही आती हैं। ऐसे अमिताभ का नाम अपने आप में मुकम्मल है और वो मेरे दोस्त हैं, बेटे भी हैं, इसके लिए उनका शुक्रिया। क्या बात है यार, डायलॉग तो बड़े कमाल के देते हैं। वैसे 18 तारीख को क्या कर रहे हैं आप? आपके साथ शाम को जाने का इरादा नहीं है, 18 तारीख की रात में आपका शो देखूंगा। नहीं मैं वैसे बंदा भी नहीं हूँ जो आपके साथ रात को कहीं भी जाऊंगा। बोले कि आप एंकरिंग बड़े अच्छे कर सकते हैं ये मैं आपको बताना चाह रहा था, दैट बड़े अच्छी डायलॉग्स बोलते हैं आप। यार ऑडिशन है तो बताइए, मैं छुट्टी लेके आता हूँ ऑफिस। चलिए फिर ये शो के बाद दोनों चैनल में भीख मांगने जाएंगे। काम दे दो काम दे दो यार। नहीं नहीं टैलेंटेड लोगों को भीख मांगने की जरूरत नहीं होती है। हाँ तो आपको नहीं करनी पड़ेगी, मेरे को तो करनी ही पड़ती है हर बार। बट थैंक यू सो मच यार, जोरदार ताला हो जाए यार नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए, जोरदार ताला हो जाए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। Can we have the hampers, please? Hampers, yes? Marji. Master Mercy, please, aap ye gift hamper. Ladki ko baad mein ghurna, Master Mercy. Pehle gift hamper bachcho ko de do. यार ये कैसे दें हम? ये हमें भी चाहिए, कोई हमें भी ऐसा गिफ्ट हैम्पर दे दो यार, ये बहुत अच्छा गिफ्ट हैम्पर है। ये हम कैसे दें? रेडी चलो, आई विल गिव यू कांग्रेचुलेशंस। नया आया एक वाला बाबा आपके लिए भी नहीं मिलेगा वो है। टेंशन मत लीजिए, थैंक यू सो मच। एंड गाइस बहुत हिम्मत लगती है, बहुत जिगरा लगता है कि अपने पेरेंट्स के सामने इतने सारे कैमरास के सामने बच्चे आकर यहाँ पर परफॉर्मेंस दे। तो मैं चाहूंगा प्लीज जोरदार तालियां हो जाए इन सबके लिए, सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। थैंक यू सो मच। अच्छा आपको रियलिटी शो के बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी एक एंकर थैंक यू बोले थैंक यू सो मच मतलब उसे वो कह रहा है कि एग्जिट ले लो, ठीक है ना? सो 1 2 3 एग्जिट। ऑलराइट थैंक यू सो मच, जोरदार ताला हो जाए हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए यार, फैंटास्टिक। थैंक यू जय, थैंक यू तमन्ना, इतने प्यारी तरीके से आपने होस्टिंग की, सबका मन बनाए रखा, सबका मूड बड़ा जमा दिया पूरा। We now move to the last segment of our press conference, guys. Food. Which is the Q&A. I request for the chairs to be brought up on stage. And I call back on stage our business head, Deepak Rajadhyaksha ji. Please join us back on stage. The chairs, please. So, yes. Can we have all the lights back on in the room so that we can see all of y'all? I request all of y'all to please, whoever wants to ask a question, please raise your hand. We'll get a mic across to you.
I request all the people standing in the room to please settle down, including my own PR team. Please settle down. She's gorgeous, don't worry. From there, she's... All right. If we don't have any questions in the open forum, I'm assuming we'd want to do the interviews in the group forum. We can do it at the round tables, but before that, then I'll call the photographers Aage for a photo op. Before which, I'd like to call on stage the skippers in that case. I request all the skippers, Jeetu Moni, Vaishnavi, Veer Sherpa, please join us back on stage. We'd like to do pictures first in that case. Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service, quality and commitment. And that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai. Is par kuch roshni daliye. रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर. एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता. इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है. हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं. तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ. द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं. लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं. इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी. दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर.
Global Advertiser for innovative outdoor solutions.